जी ये कुड़ी की शादी थी, बेटियां जी लाए थे, कपड़ा था, लेड़ा था। गरीब बंदा कहाँ कहाँ से पैसा लाएगा पकड़ के। अब सारा नुकसान हो चुका, कपड़ा भी खराब हो चुका है, पेटी भी खराब हो चुकी है, कूलर फ्रिज भी खत्म हो चुका है और बेड भी खत्म हो चुके हैं। अब कहाँ से सामान लाएं, कहाँ से पैसे, पहले ही पैसे फाड़ फाड़ कर ला रहे हैं। सर, मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है और मैं बाला का मनमोहन नगर का निवासी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 8-8 फुट पानी आया है, जिसकी वजह से हमें घर छोड़कर जाना पड़ा। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल के, घर छोड़ के सारी आपदा का इतना नुकसान हुआ है हमारे घर का। मेरी कार तक नहीं निकल पाई, इतना पानी बढ़ गया था मेरी कार। और देख सकते हो आप, 5-5 फुट, आप देखना जाके, पाँच अच्छा पाँच फुट 6-6 फुट पानी अंदर था। मेरी कार भी डूब गई, सामान सारा, टीवी, LED, इन्वर्टर और सब कुछ, वाशिंग मशीन, जो भी घर की फैसिलिटी का जो भी सामान होता है, हमने जो हमने अपने प्यार से जी से जो बनाया था, वो सब कुछ पानी के अंदर ध्वस्त हो चुका है जी। हमारा अब सरकार से दरखास्त है कि सरकार हमारी आके कुछ हेल्प करे। बाढ़ से क्या कुछ नुकसान? मेरा नाम परमजीत सिंह है और जो बाढ़ आई, इसके 8-8 फुट हमारे घर में पानी भरा है और कोई ऐसा सामान नहीं जो बचा है। इसे लेके जेड तक सारा सामान खराब हो गया, बस जो चोला तन पे पहना हुआ है यही है, तो कोई कपड़ा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बेड, अलमारियाँ और हमारे कागजात जो थे, सर्टिफिकेट थे, पासपोर्ट था, पासपोर्ट भी पानी में फेंक गया, क्योंकि इतना उम्मीद ही नहीं थी। आज से 3 साल पहले पानी आया था तो घर में तकरीबन 2 फुट या 2.5 फुट पानी था, तो हमने हमको ऐसा ही था कि इतना ही पानी होगा, पर इस बार तो 8-10-10 फुट पानी उससे हमारी फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कूलर, बेड, अलमारियों, जितने भी कपड़े थे, जो भी नकदी थी, सब का नुकसान हुआ है। असीम गोयल का मैं रोज दिखाऊंगी सारा। असीम गोयल ने एक एक पैड दिया, इन्हें ना पानी दिया, उन्हें शर्म नहीं आती है, वोटा लेने तो आ जाता। कुछ ये भी तो सोचे भी यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, बदतमीज इन्ना बंदा, इन्नी कोठी वाला बंदा, और जो इन्ना बना के बैठ गया वो।